हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत माना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वालकॉम के जो यूएसबी ड्राइवर हैं, हम उसको कैसे इंस्टॉल करें और कहां से डाउनलोड करें। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम जो क्वालकॉम के ड्राइवर की वजह से यह प्रॉब्लम आता है कि फ़ोन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता है और फ़ोन को हम चाहे जो फ्लैशिंग करना हो या पैटर्न लॉक रिमूव करना हो, क्वालकॉम के जितने भी सीपीयू लगे हुए रहते हैं फ़ोनों में, तो वो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी लोगों को जो ड्राइवर प्रॉपरली मिलते नहीं है, काफ़ी सारे वेबसाइट में सर्च करते हैं कहाँ कहाँ पर जाते हैं, मगर उनको जो है ड्राइवर प्रॉपरली मिलता नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ही ड्राइवर को आप लोगों के सामने ही डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और फ़ोन को कनेक्ट करके भी दिखाऊँगा कि हमारे फ़ोन में जो EDL पॉइंट आता है, जो 9008 का जो पोर्ट आता है, वो शो करता है कि नहीं करता और कैसे डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, आप भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, और आपको सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में दोस्तों आपको जो है प्रॉपर जो है आपको फाइल मिल जाएगा कहाँ पे बोलने से, देखिए इस वाले वेबसाइट में। ठीक है, आप चाहे तो इसका नाम भी पढ़ लीजिए, इस वाले वेबसाइट पे जाके आपको प्रॉपर जो है इसका यूएसबी ड्राइवर मिल जाएगा। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी सिंपली देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलर है, हम इसको नीचे लेके आएंगे, देखते हैं इसका डाउनलोडिंग लिंक कहाँ पे दिया हुआ है और नीचे आते हैं यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। क्वालकॉम फ्लैश टूल दिखा रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको प्रॉपर जो है दिखा देता हूँ आपको मिलेगा कहाँ पे, जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका लिंक जो है इस जगह पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक तो 9008 एक 32 बिट और एक 64 बिट है। तो हमारा सिस्टम आके 64 बिट है, तो हम 64 बिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, 64 बिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, ये कुछ 10 MB का कुछ है। तो इसका डाउनलोड ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड बोल के, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखें यहाँ पे हमारा फाइल जो है डाउनलोड हो भी चुका है, काफ़ी स्पीड लग रहा है नाइट में जो है इंटरनेट इसका। तो अभी हम यहाँ से जो है सो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में सिंपली जो है इसको हम स्ट्रैक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्रैक हेयर के ऊपर दोस्तों क्लिक करते देख सकते हैं हमारे पास एक लोडर आ चुका है इस तरीके का। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करके उसके ऊपर रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे यस करना है, यस के ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही इंस्टॉलिंग जो प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो हमको सिंपली नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है तो हम एक्सेप्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो इंस्टॉल है इंस्टॉल के ऊपर प्रेस कर देते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा USB ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना मतलब प्रोसेस हो रहा है। देखते हैं कम्प्लीट होने के बाद में, देखिए बहुत जल्दी कम्प्लीट भी हो चुका है। सिंपली अभी हमको यहाँ पे जो है फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है कि आपका सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली इसको यस कर देते हैं और इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। सिंपली हम जो है हमारा माई कंप्यूटर हो आपके पास या फिर कंप्यूटर हो, हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम चले जाएंगे मैनेज के ऊपर।
पे डिवाइस मैनेजर है, इसको ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर को क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फ़ोन को जो है सिस्टम से कनेक्ट करना है, देखना है कि हमारा जो है काम होता है। तो मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन है, एम आई फोर है, ठीक है, मेरे पास एक फ़ोन है एम आई फोर ए का, और इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे सिस्टम में ये कनेक्ट होता है कि नहीं, ये ई डी एल पोर्ट बना पाता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी सिस्टम जो है इसका बैटरी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करके जो हम डाटा केबल लगाते हैं और देखते हैं कि ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए कि यहाँ पे पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अभी हम यहाँ पे डाटा केबल एक बार लगाते हैं, लगा के एक बार ट्राई करते हैं कि पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। दोस्तों देखिए अभी मैंने डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया और मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा पोर्ट बन चुका है और हमारा यूएसबी ड्राइवर जो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कितने आराम से यहाँ पे हमने इसका पोर्ट बनाया है और यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और अपने फ़ोन को फ्लैश करें। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नए वीडियो के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।